लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला ही एग्जांपल आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सारे एग्जांपल और सारी एक्सरसाइज मोस्ट टाइम पे पकड़ लो। अगर ये कर लोगे तो आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इजीली कर सकते हो। मोस्ट 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 टाइम पे समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो इट्स ओके, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ओके, देखो साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 गिवन है एंड कॉस वाई इज इक्वल टू -12/13 गिवन है। एक्स और वाई दोनों कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। हमें साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला फाइंड करना। अभी साइन एक्स प्लस वाई कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो अगर आपको पता हो तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। मतलब आपके पास साइन एक्स है, कॉस वाई है, बट कॉस एक्स और साइन वाई नहीं है। तो देयरफॉर अगर आपके पास साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 है तो इसमें से मैं कॉस एक्स की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ? प्लस माइनस अंडर रूट 1 साइन स्क्वायर एक्स निकाल सकता हूँ। क्यों प्लस माइनस? बिकॉज कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर, उससे जाएगा तो प्लस माइनस दोनों लोगे। 1 साइन स्क्वायर एक्स क्या है? तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 9/25 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? प्लस माइनस अंडर रूट 16/25। बट क्वेश्चन में क्या बोला है? एक्स इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो कॉस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा ना बेटा, नेगेटिव -4/5। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा इतना? तो जैसे हमने साइन से कॉस फाइंड किया, कॉस से हम साइन फाइंड करेंगे। फाइंड कर लें, चल। तो अभी आपके पास साइन वाई का फॉर्मूला क्या बचेगा? प्लस माइनस अंडर रूट 1 cos²1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 -12/13 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 1 कितना होगा? 144/169। तो प्लस माइनस इसको सॉल्व करोगे तो 25/169। बट y इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कौन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन y सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? प्लस होगा रूट 25 का 5 और 13। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 हमें क्या फाइंड करना बेटा? साइन x प्लस y फाइंड करना। क्या था फॉर्मूला? साइन x cos y प्लस cos x sin y। अगर आप चेक करोगे तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी थी? साइन एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर लो। देखो बेटा यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में 3/5। ठीक है, कॉस वाई की वैल्यू -12/13 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू -4/5 और साइन वाई की वैल्यू 5/13। ये 5/5 कट मत करना, क्यों? कैलकुलेशन इजी करना है। 12 3 -36/65 प्लस माइनस 20/65 आंसर आएगा 56/65 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4/20। ये आपका फाइनल आंसर। सिंपल बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। क्या दिया हुआ है? हम सबसे पहले LHS पार्ट लेंगे। cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2। अब एक बात समझो बेटा, यहाँ पे ये एक फॉर्मूला आपको 2cc का फॉर्मूला याद है? 2 cos cos का फॉर्मूला cos plus cos और वापस 2 cos cos का फॉर्मूला 2। तो 2 चाहिए आपको, तो मैं क्या करूँगा? 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। cos 2x cos x by 2 minus 2 cos 3x cos 9x by 2। हाँ, 2 cos cos का फॉर्मूला बताओ। cos plus cos, कॉस प्लस मतलब दोनों का एडिशन। हाँ, कुछ डिवाइड बाय टू नहीं करना है। कॉस प्लस कॉस से जब टू कॉस कॉस बनता है तो डिवाइड करते हैं, यहाँ पे नहीं करना है। माइनस वापिस कॉस प्लस कॉस का कॉस, सॉरी कॉस प्लस कॉस आएगा ना, सॉरी। हाँ बेटा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? आप देख सकते हो इसका फॉर्मूला यहाँ पर, मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके बता दूं। ये ब्रैकेट निकाल लेते हैं, सिर्फ इसका फॉर्मूला cos प्लस cos, तो पहले में प्लस और दूसरे में
माइनस, अब ये बीच में माइनस की साइन, वापस टू कॉस कॉस का फॉर्मूला कॉस प्लस कॉस, मतलब कॉस 3x प्लस 9x बाय 2 एंड प्लस कॉस 3x माइनस 9x बाय 2, ठीक है। तो ये बचा हाफ, ये बचा हाफ। अब देखो इसको ओपन करो, कॉस 2x प्लस x बाय 2 मतलब ये हो जाएगा कॉस 5x बाय 2 प्लस 2x माइनस x बाय 2, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 3x बाय 2, 3x बाय 2 ये होगा ना, बराबर है पक्का। माइनस माइनस 2 3 जा 6 प्लस 9, 2 3 जा 6 प्लस 9 मतलब cos माइनस 15x बाय 2 प्लस cos 2 3 जा 6 माइनस 9 तो माइनस 3x बाय 2। तो आपको एक चीज पता है कि cos आपका क्या है, इवन फंक्शन है, तो cos 3x बाय 2 और ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? cos इवन फंक्शन है तो ब्रैकेट खोलोगे तो भी ये माइनस निकल जाएगा, बट ये माइनस तो ये ब्रैकेट का है, तो फाइनली कितना बचा cos 5x बाय 2 माइनस cos 15x बाय 2, क्लियर। इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, आंसर नहीं आया। ओके, तो हाफ cos 5x बाय 2 माइनस cos 15x बाय 2, बड़े को हमेशा पहले लिखते हैं तो मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, माइनस हाफ, तो cos 15x बाय 2 माइनस cos 5x बाय 2। cos माइनस cos का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, 2 sin माइनस 2 sin sin माइनस 2 sin 15x बाय 2 प्लस 5x बाय 2 होल डिवाइड बाय 2 sin। अब देखो अभी sc माइनस c का फॉर्मूला माइनस 2 ss याद है, बट ये एंगल यहाँ पे हाफ हो जाएगा, sin क्या हो जाएगा, अब माइनस करेंगे 15x बाय 2 माइनस 5x बाय 2 होल अपॉन 2, ठीक है। ये तो 2 क्वेश्चन में ही है और ये 2 उसके फॉर्मूला में, माइनस हाफ माइनस 2, ओके माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो वो लिखते ही नहीं है, बार बार क्यों लिखने की जरूरत। देखो ये 2 2 कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 15 प्लस 5 20 बाय 2 10 10 बाय 2 साइन 5, 15 माइनस 5 10 बाय 2 5 5 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा sin 5x एंड sin 5x बाय 2, ये आपका हो गया RHS, यही प्रूव करना था, देख लो ठीक है। आगे बढ़े, ओके 10 पाई बाय 8 की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, 10 पाई बाय 8 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके बेटा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इस x को पाई बाय 8 मान लूँ, सपोज x को पाई बाय 8, देन 2x कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा, तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x। अब देखो इस 2x की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, हमने अभी देखा tan 2x की जगह पे पाई बाय 4 2 tan x, आप बोलोगे सर x यहाँ पे पाई बाय 8 पुट करो, नहीं करना है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए ऐसा ही छोड़ दो बेटा। अब मैं क्या करूंगा पता है, लेट टेन एक्स को मैं y ले लेता हूँ, y y मान लेता हूँ, तो देयरफॉर ये 10 पाई बाय 4 हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2y अपॉन ये 1 माइनस y स्क्वायर, क्योंकि tan square x तो y स्क्वायर हो गया ना, हो गया कि नहीं पक्का श्योर। इसको ऊपर भेज दो, इसको ऊपर भेज दोगे तो क्या होगा जल्दी से, अब इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, y स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, उस साइड लेके जाएंगे तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। अब इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, स्प्लिट नहीं होगा, तो देयरफॉर y का फॉर्मूला माइनस b, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 माइनस b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू a इंटू c माइनस 1 होल अपॉन 2a, a की जगह पे क्या है 1 है, तो y इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखो तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 ये सीधा मैं ऐसे 4 प्लस 4 8 भी लिख सकते हो डिवाइड बाय 2, सो y इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 8, रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रूट 2 होल अपॉन 2, अब इसमें से 2 कॉमन निकालो, सो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 होल अपॉन 2, तो देयरफॉर y की वैल्यू माइनस 1 प्लस रूट 2 और y की वैल्यू माइनस 1 माइनस रूट 2,
अब बट y इज इक्वल टू 10x है, तो देयरफॉर 10x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट टू और 10x इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट टू। अगेन x हमने किसको माना है, पाई बाई 8 को, पाई बाई 8 मतलब कितना होगा 45 का आधा 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये देखो ये जो टर्म है ये तो नेगेटिव है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो देयरफॉर 10 x की जगह पे पाई बाई 8 डालूंगा तो क्या डाल सकता हूँ, माइनस वन प्लस रूट टू और रूट टू माइनस वन, ये आपका फाइनल आंसर। क्यों, तो ये नेगेटिव नहीं डाल सकते बिकॉज देखो माइनस वन और रूट टू भी माइनस वन तो आंसर माइनस आएगा, और 10 पाई बाई 8 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बढ़े। डन, ओ हो, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन समझ लो, एक ही बार समझाऊंगा, एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन तो करवाने ही पड़ेंगे, कुछ भी करके मुझे तो करना पड़ेंगे बिकॉज आप इतने बिजी होते हो आपके पास टाइम नहीं होता, सब मुझे ही करना पड़ेगा। अब तो मैं आपको पता है जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में होमवर्क दिया था इतना सारा, मैं सोच रहा हूँ इसमें नाप दूँ क्योंकि मुझे पता है प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, जिसको करना है वो करो बाकी करना। आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो ऐसे सिली सिली डाउट पूछते हैं, क्यों पूछते हैं उसका मैं रीजन बता दूँ। आपको पता है व्हाट इज द करेक्ट वे टू स्टडी, आपने जो भी पूरा पढ़ लिया तो आपको ऐसा लगता है कि भाई 10-15 दिन पहले जो पढ़ा था वो आपको याद होगा स्टार्टिंग के लेक्चर, नहीं होगा, आप रिवाइज भी नहीं करोगे सीधा सॉल्व करने बैठोगे नहीं आएगा तो छोड़ दोगे, सर ये आता नहीं है डाउट। अभी 11 12th में आ गए, आगे के जो टॉपिक्स होते हैं उसको बार 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 कंटिन्यूस रिवाइज करना पड़ता है, जो आप करोगे नहीं और करोगे नहीं फिर मेरा दिमाग खाओगे, तो उसे बेटर है मैं प्रैक्टिस वर्क के नाम पे दे दूंगा, जिसको करना है करो नहीं करना है मत करो। जो ब्रिलियंट होगा स्टूडेंट, जिसको जेन्युइन है, ब्रिलियंट तो छोड़ो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रिलियंट, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हार्ड वर्क स्टूडेंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ब्रिलियंट है वो निकम्मा भी होता है, ब्रिलियंट के पास सिर्फ किताबी नॉलेज भी होती है। ओके, आई ओनली वॉन्ट हार्डवर्क स्टूडेंट, हार्डवर्क स्टूडेंट मतलब जो जेन्युइनली पढ़ाई करते, बाकी आपको क्या बोलना अभी यार, रहने दो टाइम पास नहीं करना। 10x की वैल्यू 3/4 है, x है वो पाई से 3/2 के बीच में, हमें sin x / 2, cos x / 2 और 10x / 2 फाइंड करना। 10x की वैल्यू कितनी है 3/4, x की वैल्यू पाई से 3/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, बट हमें x / 2 फाइंड करना है, तो देयरफॉर इन सब को आप चेक करो, इन सबको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो पाई बाय 2 एक्स बाय 2 और 3/4, पाई बाय 2 मतलब 90, 3/4 मतलब 45, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट। तो अभी हमें सब कुछ जो कैलकुलेशन करना है सेकंड में, देखो साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव और टेन नेगेटिव, बात होगी खत्म। अब 10 को कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, जो 10 वाला हमने पाई बाय 8 वाला किया है वो भी कर सकते हो। दूसरा तरीका आपको पता है, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x की जगह पे 3/4 का होल स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 9/16, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 16 प्लस 9 मतलब 25/16, तो therefore sec x क्या हो जाएगा, अब x कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है मतलब ये हो जाएगा 5/4। ओके, तो इसके बेस पे हमारा cos भी कितना हो जाएगा, -4/5, रेसिप्रोकल 1/sec x इज इक्वल टू cos x। क्लियर हो गया, तो अब लोग सर cos x का क्या लेना देना, मुझे बहुत लेना देना cos x का, cos x ही सबसे पहले फाइंड करना है, कोई भी क्वेश्चन हो हमें सबसे पहले cos x फाइंड करना है। हो गया cos x फाइंड। अब आपको पता है कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x - 1 होता है, बट मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला भी आपको सिखा है, cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos square x - 2 - 1, इसका एंगल हाफ तो ये भी हाफ हो जाएगा, 1 हाफ नहीं होगा एंगल हाफ हो रहा है, तो therefore cos x की वैल्यू देखो हमारी क्या निकली थी, cos x की वैल्यू -4/5, तो -4/5 2 cos square x by 2 minus 1, इस साइड लेके आओ तो प्लस 1, 1 minus 4 by 5, 2 cos square x by 2, 5 minus 1 by 5 minus 4 by 5 मतलब 1 by 5 is equal to 2 cos square x by 2 नीचे जाएगा,
therefore cos square x by 2 is equal to 1 by 10. Square root side लेके जाओगे तो cos x by 2, x by 2 देखो कौन से quadrant में है, x by 2 second quadrant में, तो second quadrant में cos क्या होता है, negative, so minus 1 by root 10, minus 1 by root 10, पूरा जाएगा इसलिए root और 1 का root तो 1 होता है. अब cos x by 2 निकल गया, तो आप sin x by 2 सीधा निकाल सकते हो. sin x by 2 का formula plus minus under root 1 minus cos square x by 2 plus minus under root 1 minus cos square x by 2 क्या निकला था, 1 by 10 plus minus ये क्या हो जाएगा, root 9 by 10. अब सुनना बेटा ध्यान से, sin x by 2 x कौन से quadrant में था, second quadrant, तो second quadrant में sin तो positive होता है, तो क्या लगेगा, plus 9 किसका होगा, 3 upon root 10. अब मेरे पास जगह की कमी है, therefore इधर ही मैं 10x by 2 को find कर लेता हूँ. 10x by 2 क्या होगा, sin x by 2 अपॉन कौन सा, cos x by 2, sin x by 2 की कितना है, 3 by root 10, cos x by 2 minus 1 by root 10, root 10 root 10 cancel, 3 by minus 1 minus 3, ये आपका क्या निकला, 10x by 2. सबसे पहले क्या किया हमने, cos x cos x cos x cos x, कुछ भी हो आप कहीं से भी cos x निकाल सकते हो, 10x है तो भी निकाल सकते हो, cos x है तो आप पहले sin x निकालो, sin x से cos x निकालो, पर करना आपको एक ही चीज है, cos x निकालने के बाद आप इस ये फॉर्मूला में, आप बोलोगे सर टेक्स्ट बुक में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो पहले साइन फाइंड करो उसके बाद कॉस फाइंड करो, जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हो. क्लियर हो गया बेटा, पक्का, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन. ओहो हो हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, यहाँ पे डिवाइड है, ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, मिसप्रिंट, दिस प्लस दिस प्लस दिस, हम एलएचएस पार्ट ले रहे हैं पहले, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर x plus pi by 3 plus cos square x minus pi. कैसे सॉल्व करो, कहीं से सॉल्व करो, आपके पास कितने सारे फॉर्मूला हैं, कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हो, बट मैं सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा पता है आपको, इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा रफ वर्क कर रहा हूँ. आपको पता है cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1, है कि नहीं, पक्का पता है ना ये फॉर्मूला बेटा, तो ये minus 1 को उधर लेके जाऊं तो 2 cos square x is equal to cos 2x plus 1 लिख सकता हूं, और ये 2 को नीचे नीचे लेके जाऊं तो cos square x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 2x plus 1 by 2, देखो ये cos square x दिया हुआ है, तो ये cos square x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, cos 2x plus 1 divided by 2, बात हो गई खत्म. But what about this? यहाँ पे तो cos square x plus pi by 3 है, तो ये देखो x, x मतलब आपको एंगल समझना है, तो जो ये एंगल होगा वो डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos 2x plus pi by 3 plus 1 divided by 2, और इसकी बारी करेंगे तो cos 2x minus pi by 3 plus 1 divided by 2, जो भी एंगल है वो डबल हो जाएगा, फिर x हो y हो 2x हो 4x हो कोई फर्क नहीं पड़ता. अब सब में से मैं 1 by 2 कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, cos 2x plus cos, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x plus 2 pi by 3 plus, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 2x minus 2 pi by 3, 1 plus 1 plus 1 ये कितना हो जाएगा, 3, डन. अब ये 1 by 2, ध्यान से देखना बेटा, इस cos 2x को मैं एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ, इसको मैं a मानता हूँ और इसको मैं b, ये है मेरा a और ये है मेरा b, cos plus cos का फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे cos plus cos का फॉर्मूला बन रहा है बेटा, cos plus cos का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos, एक बार दोनों का एडिशन, होल डिवाइड बाय 2, और cos दूसरी बार दोनों का सब्ट्रैक्शन, जगह कम पड़ गई तो थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी कंजूसाई करके मैं लिख रहा हूं, cos एक बार एडिशन, 2x plus 2 pi by 3 plus 2x minus 2 pi by 3 होल डिवाइड बाय 2, और दूसरे में सब्ट्रैक्शन, 2x plus 2 pi by 3 minus 2x plus 2 pi by 3 whole divided by 2, और plus 3 तो last में रहेगा. अब देखो यहाँ पे 2 pi by 3 और यहाँ पे 2x cancel हो गए, बचा क्या, half,
यहाँ पे क्या बचा cos 2x plus, ध्यान से सुनना 2x plus 2x कितना होगा बेटा 4x, 4x by 2 कितना हो जाएगा cos 2x, कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, वरना हम आगे बढ़े बढ़े आगे। ठीक है, ये cos 2x हो गया, ओके। हाँ, ए 2 लगाना भूल गए, ये 2 लगाना, क्योंकि cos plus cos का फॉर्मूला 2 cos cos, तो 2 आ गया। अब देखना 2 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 बाय 2 कितना हो जाएगा, वापस cos 2 पाई बाय 3 और प्लस 3, कितना क्लियर हो गया, पक्का। अब आगे बढ़े, ओके, तो इज इक्वल टू हाफ cos 2x तो पढ़ा ही है, ये 2 cos 2x भी पढ़ा है, cos 2 पाई बाय 3 को क्या लिख सकते हो आप, cos पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हो, और ये प्लस 3 भी पढ़ा है उधर, पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 हो गया। व्हाट इज पाई माइनस पाई बाय 3, कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है cos क्या होता है, नेगेटिव, cos नेगेटिव होता है ना, इसलिए इसको मैं माइनस cos पाई बाय 3 लिख सकता हूँ, प्लस 3, क्योंकि cos पाई माइनस पाई बाय 3, cos पाई माइनस x इज माइनस cos x आ गया। एंड वॉट इज cos पाई बाय 3 बेटा, अगर आपको पता हो तो cos पाई बाय 3 की वैल्यू होती है माइनस हाफ और प्लस 3, ये 2 और 2 कैंसिल, cos 2x into माइनस 1 कितना हो जाएगा, cos 2x माइनस cos 2x प्लस 3, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 बाय 2 विच इज इक्वल टू आर एच। देखो ये समझ रहे हो, इस ये क्वेश्चन से आपको एक आपके लाइफ की चीज भी पता चल रही, ये बंदा कब से चला आ रहा है बट वो कंसिस्टेंसली चला आ रहा है, बाकी और चेंज भी नहीं हो रहा है, चेंज भी नहीं हो रहा मतलब अपना काम ही वो कर रहा है, कुछ और टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं कर रहा है, बट ये जो है वो अपने आप से कुछ ना कुछ चेंज कर। अब बोलो सर ये भी बंदा चल रहा है, बट ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और ये बंदा काफी सिंपल है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है तो वो कट हो गया, जो बचा था वो ही है। मतलब सिंपल रहो और कंसिस्टेंट रहो, सिंपल रहो कंसिस्टेंट रहो, सिंपल मतलब आपको पता है मुझे 11 12 फोकस करना है, कंसिस्टेंट मतलब मुझे डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, दैट्स इट, बाकी गए तेल पीने। क्या बताऊं, क्या बहुत कुछ बोलना है बट नेवर द माइंड। ठीक है, तो यहां पे खत्म होता है, ओके। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी मिसेलेनियस एक्सरसाइज, ये मिसेलेनियस एग्जांपल्स है, मिसेलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, वाओ तड़कता फड़कता क्वेश्चन, 2 cos cos plus cos plus cos is equal to 0 प्रूव करना, तो मैं सबसे पहले LHS लूंगा, तो cos 9 by 13 की जगह पीछे की जगह मैं उसको आगे लिख दूं, क्योंकि है तो मल्टीप्लाई में ही, मैंने आपको बताया था मुझे बड़ा नंबर सबसे पहले चाहिए, आई नीड द बड़ा नंबर सबसे पहला, और ये क्या हो गया cos pi by 13। अब देखो 2 cos cos का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो बेटा 2 cos cos का फॉर्मूला cos plus cos, क्या होगा बेटा cos plus cos, तो cos एक बार क्या करेंगे ऐड करेंगे 9 पाई बाय 13 प्लस पाई बाय 13 प्लस cos 9 पाई बाय 13 माइनस पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 को एज इट इज रख दो और प्लस cos 5 पाई बाय 13 को भी एज इट इज रख दो। अब इसको क्या लिख सकते हैं 9 पाई बाय 13 प्लस पाई बाय 13 ये हो गया cos 10 पाई बाय 13 प्लस ये कितना हो जाएगा cos 9 पाई माइनस पाई 8 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 इतना पता चला, मैंने सिर्फ इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया। अब सुनना बेटा, क्या मैं cos 10 पाई बाय 13 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, पाई माइनस 3 पाई बाय 13 और cos 8 पाई बाय 13 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 13 पाई माइनस 3 पाई 10 पाई आ गया। तो पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा मतलब माइनस cos 3 पाई बाय 13 आ गया। वापस देखो 13 पाई माइनस 5 पाई 8 पाई आ गया। वापस देखो cos पाई माइनस थीटा मतलब ये कितना हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस की जगह पर माइनस cos 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 सब कुछ कट आंसर इज 0 व्हिच इज इक्वल टू आर। डन बेटा, आगे बढ़े, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक्सरसाइज को बहुत लाइटली मत लीजिएगा, बहुत बार बहुत बार बहुत बार बहुत बार प्रैक्टिस करिएगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल जीरो। वापिस एल एच एस पार्ट ले लेते, साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स। अरे क्या चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। इसको दो तरीके, एक तरीका तो इसमें साइन प्लस साइन का फॉर्मेट डालो, इसमें कॉस माइनस कॉस का, दूसरा तरीका इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। अब दो तरीके ठीक है, मैं दूसरा वाला तरीका यूज कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा साइन 3x इंटू साइन x प्लस ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कॉस 3x इंटू कॉस x रहन दो, वो मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर 2 से वापस वो 2 चाहिएगा फॉर्मूला के लिए। चलो साइन प्लस साइन का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन कॉस, 2 साइन 3x प्लस x बाय 2 कॉस 3x माइनस x बाय 2 इंटू साइन प्लस, अब इसकी बारी कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला, कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला है माइनस 2 साइन, क्या होगा 3x प्लस x बाय 2 साइन 3x माइनस x बाय 2 इंटू कॉस। अब देखो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 साइन 3x प्लस x 4x बाय 2 मतलब साइन 2x, 3x माइनस x 2x बाय 2 मतलब कॉस x और इंटू साइन x माइनस 2 साइन 3x प्लस x, ये कितना हो जाएगा वापस साइन 2x, ये कितना हो जाएगा ये साइन x हो जाएगा और ये कॉस x हो जाएगा। सर ये तो दोनों सेम है, 2 है साइन 2x है, कॉस x पीछे आगे इसको फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 0 हो गया सर। वाओ कितना इजी, समझ रहे हो, बस सारे क्वेश्चंस ऐसे ही। ओके आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड अगर समझ में आएगा तो फोर्थ आएगा वरना नहीं आएगा, भूल जाओ। जय श्री राम। LHS लेते हैं वापस, क्या दिया हुआ cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। लेट मी एडजस्ट myself, ओके cos प्लस cos का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस y बाय 2 का एंड cos x माइनस y बाय 2 स्क्वायर कहाँ गया तो बाहर लगा, प्लस साइन माइनस साइन क्या होता है 2 cos x प्लस y बाय 2 एंड साइन x माइनस y बाय 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2 ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस y बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2 साइन स्क्वायर x माइनस y बाय 2। बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो 4 और cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस y बाय 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर x माइनस y बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो हमेशा 1 होता है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। डन, इजी बेटा, समझ में आ गया, वही प्रूव करना है। देखो करें स्टार्ट, कितना टाइम हुआ अभी, तो आधा घंटा भी नहीं हुआ, चलो स्टार्ट करते। यहाँ पे देखो cos x माइनस cos y का LHS लेते हैं, LHS क्या है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। cos माइनस cos क्या होता फॉर्मूला माइनस 2 sin x प्लस y बाय 2 का होल स्क्वायर sin x, अरे स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ, स्क्वायर हम बाद में लगाएंगे, इसको नहीं लगा रहा, प्लस sin माइनस sin का फॉर्मूला आपको सबको पता है 2 cos sin, पहले cos x प्लस y बाय 2 और sin x माइनस y बाय 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 sin स्क्वायर x प्लस y बाय 2 sin स्क्वायर x माइनस y बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4
cos square x plus y by 2 sin square x minus y by 2. कॉमन क्या निकाल सकते हैं बेटा दोनों में से 4 sin square x minus y by 2 जो प्रूव करना है वो कॉमन ही निकल जाएगा. बाकी क्या बचा बताओ, sin square x plus y by 2 plus cos square x plus y by 2. बताओ ये कितना होगा, ये तो 1 होगा. तो आंसर इज 4 sin square x minus y by 2 which is equal to r. काफी सिंपल है राइट. बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. वाह बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, सारे बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आता है. साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स प्लस साइन सेवन एक्स. तो साइन सेवन एक्स को मैं पहले लिख रहा हूँ, साइन फाइव एक्स को बाद में लिख रहा हूँ, साइन थ्री एक्स को उसके बाद लिख रहा हूँ, और साइन एक्स को तो सबसे बाद लिख रहा हूँ. देखो इन दोनों को पहले तो हमें ना इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो पहले साइन सेवन एक्स प्लस साइन फाइव एक्स, टू साइन साइन का फॉर्मूला, टू साइन कितना होगा, सेवन एक्स प्लस फाइव एक्स बाय टू, और कॉस सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स बाय टू, प्लस अब इसकी बारी टू साइन थ्री एक्स प्लस एक्स बाय टू, और कॉस थ्री एक्स माइनस एक्स बाय टू. चलो चेक करो तो ये टू साइन सेवन प्लस फाइव 12 by 2 6x, 7 minus 5 2x by 2 cos x, plus 2 sin 4x by 2 2x, cos 3x minus x by 2 cos x. देखो तो बेटा दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हो, तो मेरे ख्याल से 2 cos x कॉमन निकाल सकते हैं. अब ब्रैकेट में क्या बचा, sin 6x plus sin 2x. वापिस sin plus sin का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 cos x 2 sin plus sin का फॉर्मूला था sin 6x plus 2x by 2 cos 6x minus 2x by 2. तो चेक करो 2 cos x 2 sin 6x plus 2x 8x by 2 तो कितना आ जाएगा, sin 4x. cos 6x minus 2x 4x by 2 तो कितना आ जाएगा, cos 2x. 2 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 4 cos x, उसके बाद cos 2x और सबसे लास्ट sin 4x which is your RHS. वाओ सर ये तो मस्त क्वेश्चन है, बस ऐसे ही है सर, थोड़ा सा दिमाग यूज करो, बाकी कुछ ज्यादा यूज नहीं करना. ओके अरे सब में एक ही फॉर्मूला, साइन प्लस साइन. देखो सबसे पहले LHS में लिख लेता हूँ, साइन सेवन एक्स प्लस साइन फाइव एक्स बोला है उन्होंने, ब्रैकेट एक लेना है, प्लस साइन नाइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स होल अपॉन क्या बोला, अब सारे कॉस हैं, कॉस सेवन एक्स प्लस कॉस फाइव एक्स. ओके और देखो तो डिनोमिनेटर में देखो सारे कॉस हैं, जितने न्यूमरेटर में हैं, जितने न्यूमरेटर में हैं, कनेक्शन तो हो गया ना सही है. देखो 2 sin 9x प्लस 3x बाय 2 कॉस 9x माइनस 3x बाय 2 होल अपॉन 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 कॉस प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस 7x प्लस 5x बाय 2 कॉस 7x माइनस 5x बाय 2 प्लस 2 कॉस. देखो वापस कॉस कॉस प्लस कॉस है, 9x प्लस 3x बाय 2 एंड कॉस 9x माइनस 3x बाय 2. अब देखो तो ऊपर क्या बचेगा, 7 प्लस 5 12 बाय 2 6 मतलब 2 साइन 6x और मल्टीप्लाई में 7 माइनस 5 2 इंटू कॉस x प्लस ये क्या बचेगा, 2 साइन 6x इंटू क्या बचेगा, कॉस 9 माइनस 3 6x बाय 2 मतलब कॉस 3x. सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉस 6x इंटू कॉस x प्लस 2 cos 6x इंटू cos 3x.
थोड़ा चेक करो तो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो मेरे ख्याल से तो 2 sin 6x कॉमन निकाल सकते हो, तो बचा क्या cos x प्लस cos 3x, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन निकाल सकते हो cos 6x cos x प्लस cos 3x, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, sin by 6 क्या sin by cos क्या बचेगा tan 6x व्हिच इज इक्वल टू आवर RHS, बात हो गई खत्म, आगे बढ़े। ओके अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है LHS वापस लेते हैं हम, क्या दिया हुआ है LHS में sin 3x प्लस sin 2x और माइनस sin x। एक बात समझ लो बेटा बहुत ही ज्यादा ध्यान से, अब हमेशा आप फॉर्मूला अप्लाई करो ना, तो अगर यहाँ पे इवन है तो इवन के साथ ही अप्लाई करो, ऑड है तो ऑड के साथ, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑड इवन ले लो। अब देखो ये ऑड है तो ऑड के साथ, तो मैं sin 3x और माइनस साइन एक्स दोनों को एक साथ ले रहा हूँ और प्लस साइन टू एक्स को बाहर छोड़ दे रहा हूँ। साइन थ्री एक्स माइनस साइन का फॉर्मूला था 2 cos 3x प्लस एक्स बाय 2 एंड साइन 3x माइनस एक्स बाय 2, साथ ही साथ इसको साइन टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, उसका तो एक बेसिक फॉर्मूला है 2 sin x cos x, सबको पता है। तो ये 2 cos 3x प्लस एक्स 4x बाय 2, तो ये cos 2x, साइन 3x माइनस एक्स 2x बाय 2 मतलब साइन एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो देखो तो यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, 2 sin x कॉमन निकाल, तो बचा क्या cos 2x, sin x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब बचेगा cos x, आया ना। अब देखो cos प्लस cos का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था, अभी एक ऑड एक इवन है और एक ऑड है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे 2 cos 2x प्लस x बाय 2 एंड cos 2x माइनस एक्स बाय 2। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर यही करना है हमें, 2 साइन एक्स बेटा ये कितना होगा 2 cos 2x प्लस x 2 cos 3x बाय 2 एंड cos 2x माइनस x cos x बाय 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 साइन एक्स cos x बाय 2 एंड cos 3x बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू RHS, ठीक है खत्म। अब 3 क्वेश्चन है लास्ट, उसमें sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 फाइंड करना है, सब में पहला स्टेप एक ही, क्या cos x फाइंड करो कहीं से भी, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, सॉरी आंसर tan x इज इक्वल टू माइनस 4/3, x कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई से लेके 3π/2, ठीक है सॉरी x इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो पाई बाय 2 से पाई, आई एम सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, पाई बाय 2 से पाई, तो देयरफॉर सबको 4 से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट चेक कर लो, और ये कौन सा क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट आप चेक कर सकते हो, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है। तो हमारे पास tan x है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, cos sec square x is equal to 1 plus tan square x, sec square x is equal to 1 plus tan square x मतलब minus 4/3 का whole square। आप चाहे तो वो triangle वाला method भी यूज कर सकते हो, depend आपकी स्कूल में अलाउ करते हैं या नहीं, 1 plus 16 by 9, तो sec square x is equal to 9 plus 16 मतलब कितना हो जाएगा 25/9। अब बताओ तो sec x क्या होगा, उस साइड जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस लेंगे बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वार्टर में sec नेगेटिव होता है और 25/9 मतलब 5/3, तो देयरफॉर cos x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल -3/5, बात हो गई खत्म। अब cos x हो गया तो अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, आई होप सबने लिख लिया होगा, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos² x - 1, तो इसमें से cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos² x / 2 - 1, तो therefore इसमें से cos स्क्वायर x बाय 2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1 plus cos x / 2, तो cos स्क्वायर x बाय 2 1 माइनस प्लस की जगह पे देखो -3/5 है ना, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -3/2, तो 1 - 3/5 तो 5 - 3 मतलब ये कितना हो जाएगा 2/5/2। अब ये 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो 2/5 × 2, तो आंसर इज 1/5, 2 कैंसिल, तो देयरफॉर cos x by 2 इज इक्वल टू cos x by 2, x by 2 कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे प्लस,
अंडर रूट 1 बाय 5 स्क्वायर रूट साइड चला जाएगा, इसलिए फाइनल आंसर उसका 1 बाय रूट 5। तो उसके बेस पे बेटा साइन एक्स बाय टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। बट आप सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू क्या था 1 बाय 5। सो 1 माइनस 1 बाय 5 मतलब रूट 4 बाय 5, रूट 4 बाय 5 मतलब 2 बाय रूट 5। एंड देयर फोर फाइनली टेन एक्स बाय टू डबल एरो दे दो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू। साइन एक्स बाय टू कितना है 2 बाय रूट 5 है, और कॉस एक्स बाय टू कितना है 1 बाय रूट 5 है, सब कुछ कैंसिल, सो 2 बाय 1 दैट इज आंसर इज 2। कितना सिंपल है कि नहीं। ओके आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में। अब देखो कॉस एक्स ही दिया हुआ है, भगवान मिल गया फिर, कॉस एक्स दिया हुआ तो और कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई से 3 पाई बाय 2, बट अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई बाय 2 एक्स बाय 2 और 3 पाई बाय 4, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो x जो है वो भले थर्ड क्वाड्रेंट में, बट x बाय 2 है वो किस कौन से क्वाड्रेंट में चला गया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट चला गया। तो cos x तो है ही, cos x हमारे पास है, तो याद करो cos 2x का फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखोगे चलेगा, ताकि आपको याद रहे। तो cos x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos square x by 2 minus 1। तो इसमें से cos square x by 2 इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1 plus cos x by 2। ओके तो कितना हो जाएगा 1 plus cos x कितना है minus 1 by 3 upon 2, तो 3 बन जाए 3 minus 1, तो 2 by 3 whole upon 2 answer is 1 by 3। तो therefore cos x by 2 plus minus under root 1 by 3 कौन सा क्वाड्रेंट, x by 2 second quadrant cos negative मतलब minus 1 by root 3 हो गया, simple। ओके लिख लिया बेटा सबने, तो अब sin x by 2 find कर दें। sin x by 2 is equal to plus minus under root 1 minus cos square x by 2, second quadrant में plus ही होगा sin, इसलिए 1 minus, तो cos square x by 2 आपका है 1 by 3, so plus 3 minus 1 ये कितना हो जाएगा 2 by 3, root 2 by 3, root 2 by root 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। और finally आपको 10 x by 2 चाहिए, तो sin x by 2 upon cos x by 2, sin x by 2 क्या है root 2 by root 3 और cos x by 2 क्या है 1 by root 3, cancel करोगे तो root 2 is your answer। wow इतने easy questions, हाँ जी बेटा, हाँ जी बहुत easy। और last and final question, sin x is equal to 1 by 4, sin x is equal to 1 by 4, x कौन से quadrant में है, x second quadrant में, so pi by 2 से लेके pi तक, तो therefore अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, क्यों 2 से डिवाइड करूंगा बेटा, मुझे x by 2 चाहिए, because we are whole and sole dealing with x by 2, तो x by 2 कौन से quadrant में होगा, x by 2 सीधा first quadrant में आ गया, चेक कर लो। ओके तो therefore sin x हमारे पास है, तो सीधा cos x निकाल सकते हो, plus minus under root 1 minus sin square x, तो cos x क्या होगा plus minus under root 1 minus sin square x मतलब 1 by 4 का whole square, प्लस माइनस 1 माइनस 1 बाय 16, तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा प्लस माइनस 16 माइनस 1 बाय 16, सो 16 माइनस 1 बाय 16। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड, तो कॉस एक्स तो वहां पे क्या होगा नेगेटिव, सो नेगेटिव अंडर रूट 15 बाय 16, सो माइनस रूट 15 और रूट 16 का क्या हो जाएगा 4। ओके वापिस सेम फॉर्मूला, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, तो देयरफॉर इसमें से cos स्क्वायर x बाय 2 की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस cos x बाय 2। आगे बढ़े पक्का, चल तो देयरफॉर cos स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस, देखो तो cos x की वैल्यू क्या है माइनस रूट 15 बाय 4, माइनस रूट 15 बाय 4 होल अपॉन 2, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस रूट 15 बाय 2 उस साइड जाएगा, तो कॉस एक्स बाय 2 की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट
फोर माइनस रूट फिफ्टीन बाय टू। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। सेकंड क्वाड्रेंट में से अब x बाय टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया इसलिए प्लस आएगा और अंडर रूट फोर माइनस रूट फिफ्टीन बाय टू हो गया, ठीक है। तो इसमें से टेन एक्स बाय टू की वैल्यू क्या आएगी, कॉस एक्स बाय टू निकला, साइन एक्स बाय टू कौन निकालेगा, सर 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 कौन निकालेगा, मैं निकालूंगा बस। साइन एक्स बाय टू इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू इतना कॉम्प्लिकेटेड निकला सब। और ये साइन एक्स बाय टू प्लस निकलेगा इसलिए वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू क्या निकलेगा, फोर माइनस माइनस प्लस रूट फिफ्टीन। यहाँ एक काम करो, फोर माइनस रूट फिफ्टीन होल अपॉन टू डिवाइड बाय, बस डिवाइड बाय टू तो नहीं आएगा, ठीक है, कॉस पर एक्स बाय टू की वैल्यू पुट करें। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो प्लस ही है, अंडर रूट टू वन जार टू माइनस फोर प्लस रूट फिफ्टीन होल डिवाइड बाय टू, इसका आंसर आएगा माइनस टू प्लस रूट फिफ्टीन डिवाइड बाय टू। मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक होगी बेटा, बहुत बहुत ज्यादा बड़ी, ये मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूँ। ये फोर को इस साइड मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे जाएगा तो एट हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो एट हो जाएगा, ये इधर आएगा तो एट हो जाएगा, ये हो जाएगा एट, ये ऊपर जाएगा तो एट, एट माइनस फोर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फोर प्लस रूट फिफ्टीन बाय कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, ओके। ये साइन एक्स बाय टू नहीं, तो आप टेन एक्स बाय टू फाइंड करें, तो therefore tan x by 2 is equal to what, sin x by 2 upon cos x by 2, tan x by 2, sin x by 2 की वैल्यू बताओ कितनी निकली, under root 4 plus root 15 by 8, under root 4 plus root 15 by 8, और cos x by 2 की वैल्यू under root 4 minus root 15 by 8, 8 8 तो कैंसिल ही कर दो, ये दोनों रूट में आ जाएंगे, 4 प्लस रूट फिफ्टीन अपॉन फोर माइनस रूट फिफ्टीन। डेसिमलाइजेशन नाम की कोई चीज सुनी है आपने, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई बट साइन चेंज, ठीक है। सो टेन एक्स बाय टू ऊपर देखो दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट फिफ्टीन का स्क्वायर, और नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी का स्क्वायर 15, सो 1 बच जाएगा, तो सब कुछ कट हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 4 प्लस रूट 15। वाओ, ये फाइनल आंसर। सो यहाँ पे बेटा हमारा क्वेश्चन टॉपिक खत्म होता है, अगर आपको पॉज करके लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, ये चैप्टर भी खत्म होता है। मैं आपको एक्सरसाइज के होमवर्क क्वेश्चंस में दूंगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज के होमवर्क नहीं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा, करना है तो कर सकते हो, मतलब हाथ जोड़ के आपको दो प्रणाम, सत्संग धन्यवाद प्रणाम, ओके, टेक केयर।